नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन एंजियोस्पर्मिक. दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर बॉर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स. ओवल्स आर इनक्लोज इन ओवरीज एंड हैंज द सीड आर फाउंड विद इन अ फ्रूट. एनजियो कवर्ड एनजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड. तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रूट जो है वो बनता है ओवरी से, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं इसलिए फ्रूट के अंदर सीड होते हैं. ओव्यूल से सीड बनता है और फ्रूट की वॉल जो है वो ओवरी वॉल से बनती है, दैट इज़ नोन एज पेरिकार्प. वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड. जाइलम हैज़ वेसल एंड फ्लोएम हैव सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल्स. फ्लावर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मे बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एंड प्लांट मे बी मोनोशियस और डायोशियस. Now I'm talking about male sex organ. Stamen are the male sex organ of a flower. Each stamen has two parts, a filament and an anther. Anther contains four microsporangia, where microspore mother cell become differentiated. Each microspore mother cell undergo meiosis to form four microspore. तो meiosis से वैसे भी चार बनते हैं microspore और सभी haploid होते हैं, single X और N chromosome होते हैं सब में. Meiosis cell division जो है reproductive cells के लिए होता है. Each of which developed into a pollen grain. Now I'm talking about female sex organ. Female sex organ of a flower is the pistil or gynoecium. Pistil has three part, an ovary, a style and a stigma. तो stigma platform है जहाँ pollen grain आके गिरता है. Style एक long tube है जिसमें से होके pollen tube जाती है और ovary के अंदर फिर micropylar end से enter करते हुए जो एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस होते हैं उनके में फ्यूज़ करती है, एक तो एक्सेल के न्यूक्लियस के साथ और दूसरा दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में होते हैं उनके साथ, जिसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ईच ओव्यूल दैट इज मेगास्पोरेंजियम हैज़ अ बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस कवर्ड बाई टू इंटिगमेंट्स, आउटर इंटिगमेंट एंड इनर इंटिगमेंट एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइल. मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड इन द न्यूसेलस एंड इट अंडरगो मियोसिस. अल्टीमेटली वन फंक्शनल मेगास्पोर इनलार्जेस एंड फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. एन एम्ब्रियो सैक कंटेन द एग एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ वन फीमेल गैमेट एंड टू सिनर्जिस्ट, थ्री एंटीबॉडल सेल्स एंड द अपोजिट एंड टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल. लेटर द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस. Now I'm talking about fertilization and development of seed and fruit. Pollen grains are brought to the surface of stigma of the pistil during pollination. Each pollen grain germinate forming a pollen tube that carries two male gamete to the embryo sac growing through the tissue of stigma and style. One of the male gamete fuses with the female gamete to form the zygote, that is syngamy, and the second male gamete fuses with the secondary nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus, that is PEN, triple fusion. तो double fertilization में क्या होता है, pollen grain में जो दो nucleus होते हैं male gamete में, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस. जनरेटिव न्यूक्लियस जो है और एक वेजिटेटिव होता है शुरू में, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिजेनरेट होता है. जो जनरेटिव न्यूक्लियस दूसरा पोलन ग्रेन के अंदर होता है वो डिवाइड कर जाता है. तो दो मेल गैमेट, दो मेल न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसमें से एक तो फ्यूज़ करता है एक्सेल के साथ और दूसरा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि सेंट्रल सेल में है एम्ब्रियो सैक के अंदर, और ये एक साथ ही होता है इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? वन मेल गैमेट ऑफ पोलन ग्रेन फ्यूजेज विद एक्सेल एंड अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद टू पोलर न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. अब जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है एक मेल गैमेट, तो पहले से ही दो पोलर न्यूक्लियाई एन एन थे, इसमें एक और मिल गया आके मेल गैमेट का एन, तो थ्री एन हो गए, तो दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. इससे बनता है पहले तो पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर आगे चल के इससे एंडोस्पर्म बन जाता है जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है. और दूसरी तरफ जो दूसरा मेल गैमेट एक्सेल के साथ फ्यूज करता है उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना लेता है. तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन के वजह से एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. सिंस देयर आर टू फ्यूजन इन एन ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ अ यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्म. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिस्ट एंड एंटीपोडल सेल डीजेनरेट. जाइगोट डेवलप इन टू एम्ब्रियो एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इन टू द एंडोस्पर्म. Ovule gradually transform into a seed and the ovary becomes the fruit.
तो मैंने ओव्यूल का डायग्राम भी आपको बताया हुआ है कि ओव्यूल में दो इंटिगमेंट होते हैं, एक तो आउटर इंटिगमेंट, इनर इंटिगमेंट, ये पूरे में कवर कर रहे रहते हैं, लेकिन जो माइक्रोपाइलर एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर ये नहीं होते इंटिगमेंट। माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलन ट्यूब घुसती है और ऑक्सीजन और वाटर भी जाते हैं। और दूसरी तरफ के एंड को चैलेंजल एंड कहते हैं, और 90 डिग्री एंगल पे जहाँ पर ओव्यूल मुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं, और इसकी जो बॉडी की सेल है ओव्यूल की उन्हें न्यूसेलस कहते हैं, वो सभी डिप्लॉयड यानी कि 2n होती है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल हैं, नीचे दो, बीच में एक एक्सेल है, बाद बगल में दोनों में सिनर्जिट्स हैं। इसके अलावा सिनर्जिट के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि किधर जाना है। सेंटर में अगर हम देखें एम्ब्रियो सैक के, तो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई विद इन अ सेंट्रल सेल, उसकी सेल का नाम है सेंट्रल सेल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि ऊपर 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, नीचे एक सेल, दो सिनर्जिट के न्यूक्लियस, एक्सेल और सिनर्जिट को मिलाकर एग एपरेटस बोलते हैं, और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए और सेल 7 है, क्योंकि जो सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई हैं उनकी एक ही सेल है सेंट्रल सेल। तो ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन इन देयर सीड इनटू टू क्लासेस, मोनोकॉटिलीडन विच हैव ओनली वन कॉटिलीडन एंड डाइकॉटिलीडन विच हैव टू कॉटिलीडन। तो अपने राइस और वीट को देखा होगा, उसके सीड को, फ्रूट को हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, तो वो मोनोकॉट्स में आते हैं। और जिनके सीड को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पीसेज में, जैसे कि पी का पी सीड हो गया और आपका कैश्यू नट हो गया, तो इस तरीके से जिनको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं वो डाइकॉट्स में आते हैं। ये मेन फीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल पोटैटो यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम, तो इसके दो इक्वल हाफ नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी डाइकॉट में आता है क्योंकि इसके बाकी फीचर्स जो हैं डाइकॉट से मिलते हैं। तो क्या डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट में? मोनोकॉट हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम जैसे ग्रासेस में आपने देखा होगा, एंड डाइकॉट हैव अ टैप रूट सिस्टम जैसे रेडिश और कैरेट को देखा है आपने। मोनोकॉट लीव्स हैज अ शीथनिंग एंड लीफ बेसिस, एंड डाइकॉट लीव्स हैज अ पिटियोल, लीफ की डंडी को क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। मोनोकॉट लीफ है पैरलविनेशन, जैसे आपने बनाना लीफ में देख रखा है और अमरूद की पत्ती में देखा होगा पैरलविनेशन। बट डाइकॉट लीव्स हैव रेटिकुलेट मीन्स नेट लाइक विनेशन, जैसे आपने पीपल की पत्ती को सुखा के देखा होगा तो उसमें अंदर नेट होता है पूरा। एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, या तो फ्लावर में थ्री या थ्री के मल्टीपल फॉर्म में पेटल्स होते हैं, कोरोला कलर्ड वाले 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और इन केस ऑफ डाइकॉट फ्लावर्स आर पेंटामेरस और टेट्रामेरस, रेयरली टेट्रामेरस एंड मोस्टली पेंटामेरस, मीन्स फ्लावर में जो पेटल्स हैं कोरोला हैं वो 5 या 5 के मल्टीपल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10, 15, या 4 या 4 के मल्टीपल भी कभी कभी देखने को मिलते हैं डाइकॉट्स में, 4, 8 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल सीड मोनोकॉट का राइस वीट हो गया, डाइकॉट का आपका हो गया पी सीड है ना, ग्राम हो गया आपका, जिसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाए वो ज़्यादातर डाइकॉट के ही होते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन एंजियोस्पर्मिक। दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। ओव्यूल्स आर इनक्लोज इन ओवरीज एंड हैंस द सीड आर फाउंड विद इन अ फ्रूट। एनजियो कवर्ड, एनजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रूट जो है वो बनता है ओवरी से, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं इसलिए फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, ओव्यूल से सीड बनता है, और फ्रूट की वॉल जो है वो ओवरी वॉल से बनती है, दैट इज़ नोन एज पेरिकार्प। वैस्कुलर टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड, जाइलम हैज़ वेसल एंड फ्लोएम हैव सीव ट्यूब विद कंपेनियन सेल्स। फ्लावर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, एंड प्लांट में बी मोनोशियस और डायोशियस। Now I'm talking about male sex organ. Stamen are the male sex organ of a flower. Each stamen has two parts, a filament and an anther. Anther contains four micro